बहुत बहुत शुक्रिया. सबसे पहले बताइए आपके आने वाले गीत के बारे में जो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, भारत स्वाभिमान लौटाना है. ये गीत कमाल का है, सतीश अग्रवाल जी बैठे इन्होंने इसको लिखा है और दुबे जी इन्होंने बहुत अच्छा इसका संगीत दिया है, म्यूजिक कंपोज किया है. होता क्या है कि जब कोई ऐसी रचना मिल जाए जो इंस्पायर कर दे कि चलो इस पर काम किया जाए, तो इस गाने ने इंस्पायर कर दिया. सतीश अग्रवाल जी ने हमको सुनाया, इन्होंने कहा कि आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर दीजिए, हमने वो कर दिया. और यही कोशिश है कि ये घर घर पहुँचे, क्योंकि इससे लोगों के अंदर भक्ति भावना देश के प्रति बहुत बढ़ेगी. और देश जो है वो भी ईश्वर तुल्य होता है. हम लोग इसीलिए भारत माता बोलते हैं ना. तो देश जो है उसके उत्थान के लिए हम सबको अपना अपना प्रयास करना चाहिए. सतीश अग्रवाल जी ने एक इतना सुंदर गीत लिखकर अपना काम किया है, तो हमने उसको गा के कर दिया है. और हम यही चाहते हैं लोग इसे सुने और अपने अंदर देशभक्ति की भावना को और जगाएं. सतीश जी, इसकी शुरुआत किस कहां से हुई? ऐसा है कि करीब करीब 2010 में मैं भारत स्वाभिमान का नाम सुना होगा, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का, जो राजीव दीक्षित जी का था रामदेव जी के अंडर, तो मैं उनके कांटेक्ट में आया था. तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि भारत स्वाभिमान पर कुछ लिख पाए, तो भगवान की दया से उन्होंने रात को एक दिन 10 बजे मुझे रिक्वेस्ट किया जब हम लोग टूर में थे, तो सुबह 4 बजे ये लाइनें पंक्तियाँ आनी शुरू हो गई. मेरे पास कागज़ भी नहीं था, कलम भी नहीं थी, तो मैंने कागज़ कलम खोज उज के थोड़ा सा ये पंक्तियाँ लिखी गई एक ही सीटिंग में. फिर धीरे धीरे उसमें कुछ करेक्शंस हुए. इसमें एक बहुत बड़ा करेक्शन हुआ जब मैंने इस कविता को अपने एक दोस्त के बच्चे, मतलब मेरे फ्रेंड अशोक बिस्वाल, उसका एक लड़का है बिस्वाल, मिस्टर बिस्वाल नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उसको मैंने इस कविताओं की कुछ करेक्शंस के लिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह देखने के लिए उसको दिया था. तो अनूप जी, इसमें ये पहले योग था रामदेव का, तो पहले ये लाइनें ऐसी थी, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ योग कर्म को जाना है, ना योग नहीं, उठ कर्म योग, ना उठ योग कर्म को जाना है, फिर आगे बढ़कर हम सबको योग साधना का काम निभाना है. तो उस बच्चे ने सुझाया कि अंकल योग कर्म को ना कर्म योग, योग कर्म को कर्म योग कर दीजिए, क्योंकि कर्म योग एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसमें गीता के ज्ञान में कृष्ण जी ने कहा है कि जो भी हम करते हैं वो कर्म योग है, उसमें योग एक छोटा सा हिस्सा है. तो इतने से चेंज करने से ये इसका बहुत महत्व बढ़ गया है. और जो कामगार भी है, किसान भी है, कोई हथौड़ा चलाता है, कोई कुछ भी करता है, वो उसका कर्म योग है. कि जब आप पंक्तियाँ लिख रहे थे उस वक्त आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें चल रही थी कि मुझे इनके बारे में लिखना है, इनके बारे में लिखना है? चल कुछ नहीं रहा था, भगवान ने लिखवाया, मैंने लिख दिया. बहुत अच्छा. सिर्फ इतना ही है. मैंने कहा ना, 10 बजे मुझे ये कहा गया कि उनको पता था कि मैं कुछ लिखता हूँ या लिख लेता हूँ, और सुबह 4 बजे उठ के मेरे ये यहाँ से बजना शुरू हुआ और ये पंक्तियाँ उतर गई. पंक्तियाँ आपको मिल जाएंगी और वो धीरे धीरे उसमें कुछ, कई बार जैसे वॉकिंग में जाते जाते एक पंक्ति नहीं आ गई, वो ऐड हुई, तो इस तरह धीरे धीरे करके फाइनल शेप में आया. और 30 जुलाई 2014 मतलब चार साल बाद अनूप जी से मेरा कांटेक्ट हो पाया फ़ोन से. मैं आज भी बहुत हर आदमी को बोलता हूँ अनूप जी, कि अनूप जी ही एक शख्स मुझे मिले जिनका फ़ोन नंबर लगा हुआ है नेट में और डायरेक्ट अननोन फ़ोन भी उठाते हैं.
दिस इज द रियली अप्रिशिएटिव. ओके अनुप जी, जब आपको इस गाने के बारे में मालूम पड़ा तो आपका क्या रिएक्शन था? मैं इंस्पायर हुआ कि बहुत अच्छी भावना है इनकी, देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये भावना और लोगों में आए, इसलिए मैंने इसको गाया. आजकल देशभक्ति के सॉन्ग बहुत कम नजर आ रहे हैं, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? उसी को ठीक करने के लिए रिकॉर्ड किया. ओके, ऐसा हम समझे कि आने वाले वक्त में आप और भी करेंगे? जी हाँ जी, और करेंगे. ओके, आप आगे कुछ लिखना पसंद करेंगे और कोई टॉपिक्स के ऊपर? हाँ हाँ, मेरे पास करीब करीब 100 कविताएं हैं आज के दिन, ऑन ऑल पॉसिबल टॉपिक्स. मैंने लिखा है डायबिटीज पर, मैंने लिखा है पॉलीथिन हटाओ जीवन बचाओ पर, मैंने लिखा है किसान की आत्महत्याओं पर, मैंने लिखा है देश की हर प्रॉब्लम पर, जो भी यहाँ छू जाता है कागज में उतर आता है. बस इतनी सी बात है. स्वच्छ भारत के ऊपर हमें कुछ देखने मिलेगा? स्वच्छ भारत के ऊपर है मेरे पास, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है. लिखिएगा उस पर पूरा. स्वच्छता के अभियान के ऊपर मेरा एक प्ले है जो शुरू होता है गांधी जी के स्वच्छता अभियान से, और उसका सार मैं आपको बता देता हूँ. हालांकि ये थोड़ा सा अगेंस्ट जाता है, आज का जो स्वच्छता अभियान चल रहा है इसमें थोड़ा सा प्रिंट मीडिया के छुपने के लिए लोग ज़्यादा सामने जाते हैं. गांधी ने कभी नहीं चाहा कि उसका प्रिंट मीडिया में आए. उन्होंने अपने हाथ से अपनी लैट्रिन साफ की, कभी प्रिंट मीडिया में नहीं आए. लोगों ने उन्हें छापा. कभी महात्मा बुद्ध ने नहीं कहा कि उनको पूजा जाए, उनके फॉलोअर्स उनको पूजते थे. तो ये छोटी सी बात है कि आज भी ये सक्सेसफुल हो सकता है अगर थोड़ा सा जो करते हैं वो ये मन में ठान लें कि हमको देखना नहीं है कि प्रिंट देख रहा है कि नहीं, बस इतना सा चेंज करने की जरूरत है. अनुप जी, हम ये समझे कि आपके गानों से कहीं ना कहीं एक बदलाव आ सकता है? जरूर आएगा, क्योंकि हम लोग इस भावना से गाएंगे, पूरी तरह इन्वॉल्व होके काम करेंगे. जब पूरी भावना जुड़ जाती है तो कहते हैं कि कायनात भी साथ देती है. जी. ओके, जाते जाते एक दो लाइनें अगर. जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं. जिंदगी से बड़ी सजा ही